हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। चलिए एक कदम अपनी किचन की ओर। आज मैं आपके लिए काला जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। फेस्टिवल हो या पार्टी, स्वीट्स के बगैर सब अधूरा है, इसलिए हम आज एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हाँ, गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए हम 1 बाउल शुगर को पैन में डाल देते हैं और इतना ही मतलब जितनी आपकी शुगर है उसका डबल हमें पानी डालना है इसमें। जिससे क्या है, एक बार की चाशनी हमें जल्दी ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो फिर चाशनी बनाने में हमको बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हमने इस तरह चलाते हुए इसको पका लेते हैं। इसको पकने में 2 या 3 मिनट लगेगा। इसको तेज आंच में बनाइए पहले। हाँ, ये देखिए हमारी चाशनी घुल गई है। तो ये जब घुल जाएगी तो फिर हमें इसकी इम्प्योरिटी निकालने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ शुगर में होता है गंदगी, तो उसको निकालने के लिए हम इसमें लेमन जूस डाल देते हैं। और जब ये अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा इसकी पूरी गंदगी ऊपर आ जाएगी। ये देखिए हमारी चाशनी लगभग रेडी हो जाइए। इसमें हम ग्रीन कार्डमम मिलाते हैं और कुछ केसर के छिड़ डाल देते हैं, जिससे कि इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा चाशनी का। एक तार की चाशनी हमें रेडी करनी है। एक तार की चाशनी का मतलब है कि इसे बहुत देर तक नहीं हमें पकाना है। बहुत देर अगर पकाएंगे इसको, मैं अभी चेक करके देखती हूँ तो पता चलता है। अभी नहीं है रेडी हुई है। जब तक हमारी चाशनी रेडी होती है हम अपने रसगुल्लों का डो रेडी कर लेते हैं। मैंने मार्केट से MTR का एक पैकेट गुलाब जामुन मिक्स आता है वो ले लिया था, और सेम मात्रा में जितना ये हमारा मिक्सर है इसी सेम मात्रा में हम उसको लेते हैं, खोया को, मावा, जिसे मावा भी कहते हैं और खोया भी कहते हैं। तो ये आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाएगी, और ये हमने मार्केट से ही मावा लिया है। तो इसको हम मिक्स करते हैं। यकीन मानिए इसका टेस्ट, एक बार अभी बनाती हूँ मैं, आप देखिएगा, जैसे मार्केट के लगते हैं ना गुलाब जामुन, काला गुलाब जामुन, क्योंकि इसे हम, इसका कलर गोल्डन नहीं रहेगा, इसका कलर रहेगा काला गुलाब जामुन की जैसे, इसलिए हमने इसको नाम दिया है काला गुलाब जामुन। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं हैंड से। हैंड से मिक्स करने से क्या होगा, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसके जो हम लोग गोले बनाएंगे वो एकदम चिकने और स्मूथ बनेंगे। और ये हम इसका डो रेडी कर रहे हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके हम इसका सॉफ्ट डो बनाते हैं। पानी मत मिक्स करिएगा, इसमें सिर्फ दूध, दूध बहुत कम ही लगेगा, 1/2 कप। तो इसलिए इसका हम एक सॉफ्ट डो रेडी करते हैं। हमारी चाशनी रेडी हो गई है, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। देखिए हमारा डो रेडी हो गया। अब हम अपने गुलाब जामुन बनाने की स्टार्ट करते हैं। एक तरफ मैंने अपनी कढ़ाई को रख दिया है गैस पर, और इसमें ऑयल डाल के, ऑयल इतने डालिएगा कि हमारे गुलाब जामुन उसमें डूब जाएं। और अपने हाथों में चिकना करने के लिए हमें थोड़ा सा तेल लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी रंगोलियाँ चिकनी बनाए। और गोलियों का साइज आप इस तरफ रखिएगा। इस तरह से हम अपने गोले इस साइज के रेडी कर लेते हैं। ये फूल कर और डबल हो जाएंगे, इसलिए बहुत बड़े मत बनाइएगा। इसी साइज के हम पूरे अपने डो के गोले बना के रेडी करते हैं। अब हमारे ये गोले रेडी हो गए हैं, तो इनको हम देखते हैं, हमारा तेल गर्म हो गया हो। अब इसको हम सिंपल, एकदम सिंपल करके धीमी धीमी आंच पे पकाते हैं, इनको धीरे धीरे छोड़ते हैं। एक साथ ज़्यादा ना डालें इनको, इनको सिंपल पकाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए हमारे ये फ्राई हो रहे हैं। बच्चों को, बड़ों को,
अच्छे और हमारे गेस्ट को सबको बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इसके बगैर हम लोग ना अपना फेस्टिवल अधूरा ही मानते हैं। कोई भी स्वीट्स है, स्वीट्स तो होनी ही चाहिए। अब देखिए इनका कलर ऐसा आ गया है, इनको हम अपनी चाशनी में डाल देते हैं निकाल के। बहुत गर्म होते हैं, इनको आराम से आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी चाशनी में डालते हैं। और हम जितने भी हमने बोले बनाए हैं उनको इसी तरह से निकालते हैं। इनको टाइम लगता है थोड़ा सा, मंदी आँच में ही पकाना होता है इन्हें, तो इसलिए कोई जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो आपके गुलाब जामुन अंदर से अंदर चाशनी नहीं पी पाएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे रसगुल्ले बनके रेडी हो गए हैं। ये देखिए इसको मैंने कट करके दिखाया है अभी बहुत ही जल्दी। और इनको अब आप लोग खाइए। हम इसको अपनी सर्विंग बाउल में रख के और पिस्ता को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और इसको सर्विंग बाउल में हमने प्रेजेंट किया। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे बेल आइकन पर जाकर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।